नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कैबिनेट के बड़े फैसले, जेओए 817 के 1337 पदों के लिए रिजल्ट जल्दी देने के निर्देश। मंत्रिमंडल की मंजूरी, खनन विभाग में भरे जाएंगे विभिन्न श्रेणियों के 60 पद। मुकेश प्रतिभा का बड़ा हमला, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार क्या विकास करवाएगी। कॉलेज में प्रोफेसरों की हड़ताल जारी, 75,000 छात्रों का पेपर मूल्यांकन रुका। ड्रोन पॉलिसी को स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। 70,000 कर्मचारियों ने मांगा नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का लाभ। स्वर्ण जयंती योजना में कड़े निर्देश, बीच सत्र स्कूल छोड़ा तो छात्र से वसूली जाएगी सारी राशि। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कोर्ट में फंसी भर्तियों के मामले में अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई है। कैबिनेट ने जेबीटी जेओएआईटी पोस्ट कोड 817 और शास्त्री भर्ती पर निर्देश दिए हैं। कैबिनेट ने मुख्य सचिव, विधि सचिव और महाअधिवक्ता को ये मामले सुलझाने को कहा है और अपना फैसला भी बता दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं और क्या हुआ आज की कैबिनेट बैठक में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कोर्ट में फंसी भर्तियों के मामले में अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई है। कैबिनेट ने जेबीटी जेओएआईटी पोस्ट कोड 817 और शास्त्री भर्ती पर निर्देश दिए हैं। कैबिनेट ने मुख्य सचिव, विधि सचिव और महाधिवक्ता को ये मामले सुलझाने को कहा है और अपना फैसला भी बता दिया है। जेबीटी भर्ती के मामले में दोहरा विकल्प विभाग को दिया गया है, या तो सीधी भर्ती की मेरिट में आए बीएड डिग्री धारकों के पद खाली रखे जाएं, या फिर यदि इन्हें नौकरी देनी है तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतिम निर्णय से प्रभावित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में ये केस जोधपुर से गया है। कैबिनेट ने जल्द इस बारे में नियुक्तियां देने के आदेश दिए हैं। इसी तरह के निर्देश जेबीटी बैचवाइज भर्ती को लेकर है। वर्तमान में जेबीटी कमीशन में 617 और बैचवाइज में 515 पद फंसे पड़े हैं। जेओए पोस्ट कोड 817 के पदों में कटौती करने पर सहमति बनी है। इन भर्ती में कुल पद 1867 थे, लेकिन पोस्ट कोड 556 के विवाद के कारण इसमें से 530 पद हटाए गए हैं। 1337 पदों के लिए रिजल्ट जल्दी तैयार करने को कहा गया है। शास्त्री भर्ती में 582 पद भी कोर्ट में फंसे हैं। इनको लेकर विधि सचिव, एडवोकेट जनरल और शिक्षा सचिव को मिलकर प्रयास करने होंगे ताकि ये भर्ती भी जल्द हो जाए। प्रदेश में खनन विभाग द्वारा जल्द ही विभिन्न श्रेणियों के 60 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश सरकार ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इन 60 पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी है। देखिए किस कैटेगरी में कितने पद हैं। प्रदेश में खनन विभाग द्वारा जल्द ही विभिन्न श्रेणियों के 60 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश सरकार ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इन 60 पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी है। खनन विभाग में भरे जाने वाले 60 पदों में माइनिंग इंस्पेक्टर के 12, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के 24 और माइनिंग गार्ड के 24 पद भरे जाएंगे। प्रदेश में माइनिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर और माइनिंग गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को जहां रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं खनन विभाग को नए माइनिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर और माइनिंग गार्ड मिलने से खनन माफिया पर शिकंजा कसने में भी मदद मिलेगी। खनन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती आरएनपी नियमों के तहत की जाएगी। माइनिंग गार्ड के पदों की भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे या फिर आवेदन पत्र द्वारा किया जाएगा, इसको लेकर जल्द ही खनन विभाग द्वारा फैसला लिया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज रामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने आरोप लगाया भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को क्या पता कि विकास कैसे होता है। देखिए ये रिपोर्ट। रामपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से महिला सशक्तिकरण सम्मेलन के दौरान रोड शो निकाला। रोड शो मिनी सचिवालय से लेकर दरबार परिसर तक निकाला गया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह और विधायक नंदलाल भी पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रह रही जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सड़कों का निर्माण किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता संभालने के बाद इन सड़कों की सुध तक नहीं ली। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सरकार ने रामपुर में करोड़ों रुपयों की घोषणाएं तो की,
लेकिन इन्हें अमली जामा नहीं पहनाया गया। हमने मोर्चाएं भी देखा, वो वक्त भी देखा जब घर की महिलाएं अपनी चार दीवारी से बाहर नहीं निकली। आज महिलाओं को अगर बाहर निकलने का मौका मिला है तो सदैव राजीव गांधी जी जिन्होंने हमारे लिए 4% आरक्षण किया। आज महिलाएं ग्राम पंचायत की प्रधान बनी है, उप प्रधान बनी है, पंचायत समिति में आई है, जिला परिषद में आई है। ये तभी संभव हो पाया जब उन्होंने ये आरक्षण महिलाओं के लिए किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, भाजपा सरकार जाने वाली है और कांग्रेस सरकार आने वाली है। रामपुर में मुख्यमंत्री द्वारा की गई करोड़ों रुपयों की घोषणाएं केवल घोषणाएं ही रह जाएंगी। 3 माह में शौचालय तक नहीं बनता तो इन घोषणाओं को कैसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने केंद्र और प्रदेश भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। यहां पे कहते रामपुर में आए थे और वित्तमंत्री कह रहे थे कि उन्होंने घोषणाएं कर दी। अरे उन्होंने क्या घोषणा कर दी, वो जाने वाले लोग हैं और हम आने वाले लोग हैं। और अब जो घोषणाएं कर रहे हैं, 3 महीने में तो टॉयलेट नहीं बनता, हम क्या बनाएंगे? आप क्या बनाएंगे? अगर शौचालय भी बनाना हो तो भी 3 महीने में नहीं बनता। यूजीसी पे स्केल न मिलने के विरोध में कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइंट कमेटी ने भूख हड़ताल जारी रखी है। शिक्षण संस्थानों में इन दिनों बेशक सेशन चला है और परीक्षाएं भी हो रही हैं, लेकिन शिक्षक शिफ्टों में हड़ताल पर बैठ रहे हैं। सोमवार को एचपीयू, आरकेएमबी सहित प्रदेश के अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षक हड़ताल पर बैठे रहे। यूजीसी पे स्केल न मिलने के विरोध में कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइंट कमेटी की भूख हड़ताल जारी है। शिक्षण संस्थानों में इन दिनों बेशक सेशन चला है और परीक्षाएं भी हो रही हैं, लेकिन शिक्षक शिफ्टों में हड़ताल पर बैठ रहे हैं। सोमवार को एचपीयू, आरकेएमबी सहित प्रदेश के अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षक हड़ताल पर बैठे रहे। इन शिक्षकों का कहना है कि वे किसी भी सूरत में अब अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे। शिक्षक लगातार पिछले 7 सालों से उनके लिए यूजीसी पे स्केल जारी न होने पर नाराज चल रहे हैं। इस बारे में कई बार शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक शिक्षण संस्थानों में यूजीसी पे स्केल को लागू नहीं किया गया है। इसका सीधा असर यूजी की परीक्षाएं दे चुके छात्रों पर पड़ा है। हड़ताल के साथ साथ इन छात्रों ने परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य भी रोक दिया है। इस कारण प्रदेश के कॉलेजों में परीक्षा दे चुके 1,75,000 छात्रों के पेपर चेक नहीं हुए हैं। दिव्य हिमाचल जल्द लेकर आ रहा है डांस हिमाचल डांस सीजन 8, ब्रॉट यू बाय अर्न यूनिवर्सिटी, इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। अगर आप में भी है नृत्य की कला तो गौर फरमाइए, आपके टैलेंट को दिव्य हिमाचल देगा मंच। 10 जून से प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू, मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर और जीते कई आकर्षक उपहार, साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। बने रहिए हमारे साथ। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति दे दी है। यह पॉलिसी ड्रोन के उपयोग से शासन एवं सुधार के आधार पर निर्मित एक समग्र ड्रोन इकोसिस्टम की परिकल्पना को साकार करेगी। देखें ये रोचक रिपोर्ट। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति दे दी। ये पॉलिसी ड्रोन के उपयोग से शासन एवं सुधार गरुड़ के आधार पर निर्मित एक समग्र ड्रोन इकोसिस्टम की परिकल्पना को साकार करेगी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, औद्योगिक निवेश नीति, हिमाचल प्रदेश स्टार्टअप नवाचार योजना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जैसे संस्थागत संयोजन के माध्यम से डिजिटल स्काई अवसरों का उपयोग करना है, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार कर ड्रोन क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य ड्रोन और सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग से राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करना और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन अब सरकार के साथ आंख मिलाकर बात करने की कोशिश करने लगा है। संगठन का कहना है कि भाजपा ने सुजानपुर रैली में सीनियोरिटी के समाधान का वादा किया था, लेकिन आज फिर से
चुनाव का दौर शुरू होने तक भी ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। अब सरकार और कितना वक्त लेगी, यही कर्मचारी संगठन जानना चाहता है। हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने मांग की है कि सरकार भर्ती और पदोन्नति नियमों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता देने का वादा पूरा करे। भाजपा ने चुनाव से पूर्व अनुबंध नियमित कर्मचारियों से वरिष्ठता का जो वादा किया था उसे 4 साल बीत जाने पर भी पूरा नहीं किया है। पिछले चुनावों के दौरान भाजपा ने सुजानपुर रैली में सीनियोरिटी के समाधान का वायदा किया था, लेकिन आज फिर से चुनाव का दौर शुरू होने तक भी यह मांग पूरी नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष इस मांग को 50 से अधिक बार उठाया जा चुका है, फिर भी आज तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया है। हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुनीश गर्ग ने कहा कि JCC की बैठक में भी इस मांग पर कमेटी गठन की बात कही गई, लेकिन उस पर भी कोई कमेटी नहीं बनी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुबंध अवधि को तो कम किया, लेकिन कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से अपना कर्मचारी आज तक नहीं माना और 70,000 कर्मचारी आज भी इस मांग के पूरा होने के इंतजार में है। प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत छात्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत ये साफ कहा गया है, यदि छात्र बीच सत्र में अपनी पढ़ाई किसी कारणवश अधूरी छोड़ता है तो उसे स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत पूरी राशि वापस करनी होगी। प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत छात्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत ये साफ कहा गया है कि यदि छात्र बीच सत्र में अपनी पढ़ाई किसी कारणवश अधूरी छोड़ता है तो उसे स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के तहत पूरी राशि वापस करनी होगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि छात्र का पूरे सत्र सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई करना जरूरी है, अन्यथा इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रारंभ में 30,000 रुपए की अग्रिम राशि चयनित विद्यार्थियों को दी जाती है। उस राशि का स्कूल के मुखिया की ओर से उपयोगिता प्रमाण पत्र देने पर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी कोचिंग संस्थान से ऑफलाइन कोचिंग लेता है तो उसे नियमित तौर पर हर महीने अपना उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के पास जमा करवाना होगा। विद्यार्थी के विद्यालय में 75% उपस्थिति होना अनिवार्य है। जिन छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर होगा वह छात्र अपने पसंदीदा कोचिंग संस्थान में कोचिंग ले सकते हैं। छात्रों को ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग देने का विकल्प भी दिया गया है। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। जमा 2 में एडमिशन लेने से चूक गए छात्रों को बड़ी राहत, अब 10 जून तक ले सकेंगे दाखिला। नैना देवी में कुल्हाड़ी के वार से ग्रामीण की मौत, डोंठा में जमीनी विवाद के चलते दो परिवारों में मारपीट, महिला सहित 3 गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किए 2 ऑनलाइन ठग, शागिरों ने एक व्यक्ति के खाते से उड़ाए थे 2,44,000। मॉनसून से निपटने को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बैठक में किया मंथन, PWD जल शक्ति विभाग को तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।